अभी हम आए हुए हैं जोंगशावा मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे किड्स गारमेंट का होलसेल मार्केट है क्वांजाओ चाइना में। जो हमारा लास्ट ईयर का ब्लॉग में आप लोग देखा होगा किड्स गारमेंट होलसेल मार्केट, अभी मैं वही मार्केट में रिपीट आ चुका हूँ। ये जो भाई जो अभी गारमेंट देख रहे हैं, ये आपका 45 55 55 मिनिमम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यूट्यूबर इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। अभी हम आए हुए हैं जोंगशावा मेट्रो स्टेशन, जो कि लाइन 5 में गिरता है, जहाँ पे किड्स गारमेंट का होलसेल मार्केट है क्वांजाओ चाइना में। जो हमारा लास्ट ईयर का ब्लॉग में आप लोग देखा होगा किड्स गारमेंट होलसेल मार्केट, अभी मैं वही मार्केट में रिपीट आ चुका हूँ। कुछ कुछ भाई का रिक्वायरमेंट था और कुछ जानने का स्क्यूज भी था कि मैंने प्रॉपरली उसका डिटेल्स में नहीं बनाया था, लेकिन मेरा वो फर्स्ट टाइम का ब्लॉग था। इस बार मैं कोशिश करूँगा आप लोग को जितना हो सके दिखाने का। ये देखिए जोंगशावा स्टेशन, ये जो कि लाइन 5 में आता है, जोंगशावा स्टेशन लाइन 5 में। अब जोंगशावा स्टेशन का एग्जिट ए से निकलेंगे, निकलते ही आपको पूरा मार्केट नज़र आएगा। यहाँ से इधर से उधर ये सारे दुकान जो है रिटेल होलसेल दोनों में ही डील करते हैं, आप चाहे जिधर जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिटेल में लगा के रखे 10 का 4। हाँ, 10 में नहीं आओ। हाँ, ये देखिए सब लाइन से लगा के रखे हैं। ये अगर आप वन पीस लेंगे तो आपको 50 RMB, और अगर आप होलसेल में लेते हैं मिनिमम पीसेस है आपका 12, तो आपको ये आ जाएगा 29। इस टाइप में डिफरेंट डिफरेंट गारमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट दाम। हाँ, जैसे आपको होलसेल में चाहिए तो होलसेल का रेट अलग होता है, और होलसेल में आप निगोशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन रिटेल में ये लोग जो लगा के रखे हैं रिटेल में, वो रिटेल में देते हैं। अगर आप एक पीस चाहें फ्रेश में, वो भी दे देते हैं, लेकिन दाम बढ़ा के लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एकदम लाइन से दुकानें लगे हुए। ये आंटी मुझे भीतर की तरफ बुला रहे हैं, ये लाइन से लगा हुआ है। नहीं हाँ, ये जो भाई जो अभी गारमेंट देख रहे हैं, ये आपका 45 55 55 मिनिमम आपको 48 पीसेस लेना पड़ेगा, उसमें आप साइज मिला के ले सकते हैं। ये आपका स्मॉल साइज, ये आपका होलसेल का काम है। हाँ, यहाँ पूरा होलसेल का ही काम है। ये जो दुकान है ये टोटल होलसेल में डील करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन वगैरह है, आपको मिनिमम 24 पीस लेना पड़ेगा। यहाँ ये लोग बाहर भी लगा के रखे हैं 1 पीस के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यूट्यूबर यूट्यूबर। यहाँ पर ऐसा बहुत सारा दुकानें हैं जो कि आप वीडियो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो लड़की था बहुत ही हसकुल टाइप का था, हसमुख टाइप का, ये मुझे बोला कि आप अंदर आओ, वीडियो बनाओ और आपका सब्सक्राइबर लोगों को भी दिखाओ। मतलब चलो फिर भी देखते हैं, आप अपना भाई लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ पर सब इसी टाइप का दुकान है। ये जो मार्केट है ये मेनली आपका होलसेल के लिए है, लेकिन ये लोग रिटेल भी देते हैं, थोड़ा रेट बढ़ा के लेते हैं। अगर कोई भाई सैंपलिंग के लिए आना चाहे वो आ सकते हैं, यहाँ से सैंपलिंग वगैरह कलेक्ट कर सकते। ये लोग का जो डिज़ाइन वगैरह होता है थोड़ा एडवांस टाइप का होता है। ये देखिए अंकल क्या बोल रहे हैं। नहीं आओ, ये अंकल जी बोला मेरा भी वीडियो बनाओ, हमने बना दिया। नहीं आओ, इंडिया। यहाँ का चाइना का जो पीपल होता है ये लोग बहुत मिलनसार टाइप का होता है, सब कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, कैसे हो। हाँ, जानने का कोशिश भी करता है हमारे इंडिया के बारे में। अपना इंडिया है ही ऐसा जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है,
ईस्ट का वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। यहाँ पे एक मार्केट में हम लोग घुसे हैं जो कि पूरा पूरी सब होलसेल का ही है। सामने इस तरफ भी लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो मार्केट में मैं घुसा हूँ, जो लास्ट हमारा वीडियो है, वहाँ पे ये मार्केट का ब्लॉग नहीं है, क्योंकि उस टाइम इसका रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए मैं सोचा कि यहीं से स्टार्ट करता हूँ, जो कि अभी रिनोवेट होके एकदम नया बना हुआ है। ये देखिए पूरा। ये जो मार्केट है टोटली किड्स गारमेंट्स है। यहाँ पे आपको किड्स गारमेंट छोड़कर कुछ भी नहीं मिलेंगे, वो बॉयज़ चाहे गर्ल्स का हो, और जो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 साल का यहाँ पे मिलेंगे। कुछ भाई कमेंट में लिखते हैं कि आप दामों में नहीं बताते हैं, यहाँ दाम मैं कैसे बताऊं। एक्चुअली क्या है, एक एक दुकान में ये लोग अपना होलसेल का रेट एक तरीके का बताते हैं, रिटेल का बताते हैं। मैं तो हर दुकान में जाके आपका डील नहीं करूँगा, मेरा जहाँ डील होगा तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हर दुकान का अपना अपना पॉलिसी है। ये लोग क्या है, अपना हिसाब से बताते रहते हैं, और आपका क्वांटिटी के ऊपर इसका रेट डिपेंड करता है। आप जिस हिसाब से जितना क्वांटिटी में लोगे, ये लोग रेट वही हिसाब से लगा। हेलो, हाँ नी हाओ, हाउ मच दिस वन हाँ तो ये अगर आप होलसेल में लेंगे तो 58 आपको आएगा। हाउ मेनी साइजेस? 5। उसमें 5 साइज आएगा, ये वाला जो नेट का जो, हाँ 58 का मिलेगा आपको। इस तरीके से बहुत सारा है, तो अगर आप रिटेल में लेते हैं तो ये लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी बढ़ा के बोल सकते हैं, लेकिन आप जब होलसेल में सीरियस बायर की तरह आओगे तो ये लोग रेट भी सही लगाते हैं, और आपका क्वांटिटी के ऊपर ये लोग निगोशिएट भी करते हैं। तो अभी ये मार्केट में हम बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर में बहुत सारा मार्केट है। अब जोंगशाबा मेट्रो से निकल के ना, ए से निकल के एग्जिट से दोनों तरफ जिस तरफ भी जाओ, आपको सब यहाँ गारमेंट शॉप ही मिलेगा, सब किड्स गारमेंट का। ये देखिए, अभी वो मार्केट से मैं बाहर निकला सामने की तरफ, ये और एक रास्ते का ऊपर ही है, ये लोग का सेल टाइप का भी लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं जो जोंगशाबा का जो मेन मार्केट है, जिसे मार्केट का एक लोकल नाम भी है, वो हम आपको पता करके अभी बताते हैं। फुली लोग फुली ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, फुली मार्केट लोग बोलते हैं। ये मार्केट जो है ज़्यादा फ्लोर का नहीं है, एक तरफ 3 फ्लोर का बना है, एक तरफ 2 फ्लोर का। तो अभी हम पहले जो एंट्रेंस के बाद जो लेफ्ट का आपका जो 3 फ्लोर का है, पहले इस तरफ घूमेंगे, उसका बाद हम लोग जो 2 फ्लोर का 2 मंजिला जो है उस तरफ जाएंगे। ये मेन रोड है, मतलब मार्केट का अंदर का जो कॉरिडोर, उसका साइड से हम मार्केट के भीतर घुसते हैं। एनी हाउ, ये मार्केट में मतलब जो भी शॉपकीपर वगैरह है, ये लोग बहुत ही मतलब फ्रेंडली टाइप है, सबको ही आपको वेलकम करता है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। अब देखिए ब्लेजर बच्चे का। एनी हाउ, ये आप देख सकते हैं बाहर में डिज़ाइन लगा हुआ है, यहाँ से पर्दा करके रखा है, जो भीतर नया डिज़ाइन वो लोग रखते हैं। नो भीतर वो लोग नया डिज़ाइन रखते हैं, जो कि आप बोलेंगे उसका बाद ही भीतर लेके जाते हैं, उसका अंदर कैमरा भी अलाउ नहीं है, कहीं वो लोग का नया डिज़ाइन उसमें रहते हैं। ये हर आदमी का अपना मार्केट पॉलिसी है, अपना डिज़ाइन वो लोग डेवलप करता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हर दुकान में आपको इस टाइप का मिलेंगे। ये देखिए पार्टी फ्रॉक्स, यहाँ लिखा भी हुआ है नो फोटोस नो रिटेल। तो मैं इसे रनिंग में आप लोग को दिखाता हूँ, वेस्टर्न आउटफिट बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का ही है। ये भी यहाँ पे भी वैसे सेम
एज लाइक सामने हमने जैसे दुकान देखा था वैसे ही है आपका किया हुआ है, भीतर आपका नया डिज़ाइन वगैरह है, जहाँ पे कि ये लोग कैमरा तो अलाउ नहीं करते हैं, जहाँ तक कैमरा अलाउ करते हैं हम वहाँ तक आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। ये सेम देखिए पार्टी फ्रॉक का ऐसा ढाक के रखा है। यहाँ पे आपको एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे। अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं किड्स गारमेंट्स में, खास करके आपको पार्टी फ्रॉक्स हो गया, वेस्टर्न आउटफिट वगैरह हो गया, तो आप यहाँ आओ, आपको बहुत ही अच्छा आप लोगों को मिलेगा यहाँ। फ्रेंड्स आप लोगों का अगर यहाँ का डिटेल्स कैसे क्या आना है, क्या है नहीं है, आपको अगर चाहिए तो आप हमारा कमेंट्स में लिखें, हम आपको जितना हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग का जो रेट के बारे में कमेंट्स में लिखते हैं कि रेट एक्चुअली वो आपको आपका क्वांटिटी ऊपर डिपेंड है, आप किस टाइप का गारमेंट चाहते हैं उस टाइप का डिपेंडेड है। और इसमें क्या वेस्टर्न आउटफिट में कोई सिमिलर टाइप का रेट नहीं होता है, उसमें जैसा जो गारमेंट्स का कॉस्टिंग आएगा उस हिसाब से उसका रेट होता है, इसीलिए इससे आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन जो बाहर में लगा हुआ है इससे आप गारमेंट्स को देख के जज करके थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेन लॉन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। ये वापस इसका दूसरा लेन में आ गया, जो भी जो कि सिमिलर टाइप का गारमेंट्स वगैरह सब है, वेस्टर्न आउटफिट है आपका, पार्टी वेयर फ्रॉक्स वगैरह है। यहाँ पे भी मैं वॉकिंग में एक टूर दे देता हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पे जो भाई लोग या गौंजा घूमने आते हैं, अगर बच्चे लोग के लिए रिटेल में कपड़ा लेना है और वो बहुत अच्छे क्वालिटी का कपड़ा लेना है, वेस्टर्न आउटफिट आपका पार्टी फ्रॉक वगैरह, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलेगा। और इसके लिए अगर आप फ्रेश से लेना चाहेंगे तो लोग दाम थोड़ा बढ़ा के लेते हैं, लेकिन जो सामने लगा हुआ है 100x3, 100x2, उसमें भी अच्छा अच्छा क्वालिटी का अपना आप लोग को मिलेगा। चाइना में और एक चीज़ है, आपको होलसेल मार्केट हो चाहे रिटेल मार्केट हो, हर जगह आपको सफाई का ये लोग बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, आपको हर मार्केट एकदम नीट एंड क्लीन। कल हम लोग जो फैब्रिक का जो मार्केट गए थे वहाँ भी सेम, और यहाँ आपको रिटेल होलसेल हर जगह एकदम नीट एंड क्लीन, और दुकान को भी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं जो कि देखने लायक। उससे गारमेंट्स का क्या है और भी खिलते हैं गारमेंट्स, जैसे आपको नॉर्मली आप दिखाओगे लेकिन यहाँ पे उसमें और अट्रैक्टिव लगता है। ये भी एक मतलब अपना गारमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ये भी है। अब देखिए यहाँ पे हर दुकान में मतलब सिमिलर टाइप का लाइट वगैरह लगा हुआ, ऑयल मेंटेन एकदम नीट एंड क्लीन। फ्रेंड्स अभी हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं, फ्रंट ग्राउंड फ्लोर तो हम लोग ऑलमोस्ट पूरा देख लिए हैं, तो सब तो सेम टाइप का ही दुकान है, गारमेंट्स अलग अलग है लेकिन दुकानें ऑलमोस्ट सब सेम टाइप का है, तो थोड़ा फर्स्ट फ्लोर भी देख लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबी का मुझे नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबी का है, तो न्यू बॉर्न बेबी का उतना वैरायटी तो देखने में नहीं है, तो हम क्या करते हैं थर्ड फ्लोर में ज़्यादातर गुडाउंस वगैरह है। तो अभी हम नीचे चलते हैं जो सामने की तरफ जो मार्केट बना हुआ है अभी उसमें जाते हैं। अगर किसी भाई को न्यू बॉर्न बेबी का जो गारमेंट्स वगैरह जो एक्सेसरीज है अगर चाहिए आप आ सकते हैं। यहाँ पे रेट भी वही मोटा मोटी हम तो रनिंग में आपको दिखाया, वीडियो में देखिएगा उसी टाइप का ही है, जो रिटेल का रेट अलग होलसेल का रेट अलग ही है। तो अभी हम सामने की तरफ जो मार्केट है उसका भी कर जाते हैं। ये आपका जो मेन कॉरिडोर से सामने की तरफ
यहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ मेनली तीन चार मार्केट ही है, उसमें से एक मार्केट में तो रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो सामने वाला और एक जो मार्केट है अभी हम वहीं आए हैं। यहाँ पे आप देखिए, लेकिन ये वाला मार्केट उससे थोड़ा, जिसका गारमेंट्स का क्वालिटी वगैरह है थोड़ा सा सोसो है, उसके तरह उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन लोग का लग रहा है काम थोड़ा बड़ा है। देखिए सामने, ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे सब बड़ा बड़ा, जैसे लास्ट मार्केट जो था वो स्टॉल टाइप का था, यहाँ पे सब बड़ा बड़ा अपना गद्दी टाइप का लिया हुआ है। और वहाँ पे जैसे वहाँ कुछ दुकानें था ऐसा, तो लोग होलसेल में ही ज़्यादातर डील करते हैं, अपना पूरा घेर के ये लोग भीतर में कैमरा अलाउ नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये लोग का अपना डिज़ाइन का बात है, इसीलिए हम बाहर से ही आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं जितना दिखा सके। फ्रेंड्स अभी हम मार्केट से बाहर निकल आए हैं, रोड का ऊपर ही आप जैसे मेट्रो से निकलते हो एकदम इधर से उधर तक लंबा एकदम आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे। यहाँ से आप परचेस करते करते भीतर की तरफ जाओ, अच्छा लगेगा। पहले रोड के ऊपर आप देख लो, उसके बाद आप कोई मार्केट के अंदर घुसो, तो मैं रोड का एक इधर से उधर का नजर आपको देता हूँ, उसका बाद ही अपना वीडियो खत्म करूँगा। ये देखिए, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, नो इंडिया, गुड, नो मनी, ये भाई हमको जबरदस्ती के काजू खिला रहे हैं। यू आर फ्रॉम सिंजियान, ये सिंजियान का आदमी है जो कि मुस्लिम, ये भाई उगर मुस्लिम है जो कि सिंजियान में है, यहाँ का चाइना का एकदम नॉर्थ का तरफ। ओके, वो भाई पहले सोचा कि मैं मलेशिया का हूँ, फिर मैं जब बताया कि मैं इंडियन हूँ, तो उसने मेरे को ड्राई फ्रूट बेचना चाहा, फिर लास्ट में ये काजू ऑफर किया, बोला खा के देखो बहुत ही अच्छा है। मैं बोला चलो खाया ना खाए ले लेते हैं, भाई को भी अच्छा लगेगा। ये आप दुकानें पहले देख लीजिए, मैं भी बात करने लगा। ये जो मार्केट है ये भी बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन ये भी इसमें भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे इस टाइम में क्या पता, लास्ट ईयर भी जब आया था बहुत सारा मार्केट में रिनोवेशन का काम चल रहा था, इस ईयर भी चल रहा है। सेम टाइम में आया था लास्ट ईयर भी, मैंने जून महीने में आया था, तो सेम दिस ईयर भी वो सेम हर जगह में चल रहा है रिनोवेशन का। देखो लगता है साल भर का रिनोवेशन का काम चलते रहता है। तो फ्रेंड्स आज का अपना किड्स गारमेंट होलसेल मार्केट का जोंगशाबा का जो ब्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं फिर बता देता हूँ, इस ब्लॉग का बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा आप लोग को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।
अभी भी मैं गुआंगझोउ सिटी में हूँ और भी बहुत सारा मार्केट हम लोग को घूमना बाकी है। तब तक के लिए फिर गारमेंट मार्केट जोंगसावा से बाय।